तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है थैलेमस। और यार, ये जो थैलेमस की एनाटमी है ना, एक्चुअली मैं इतने आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये अपना ये जो नीचे आप डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये अपने थैलेमस का ही डायग्राम है। अब मेनली ये जो थैलेमस है वो अपना होता है लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर। अगर आपको पता भी होगा ग्रे मैटर को, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, ये अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड का मॉडल है। अगर आपने मेरी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स की वीडियो देख रखी है तो आपको इस मॉडल के बारे में पता होगा, और अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यार, अपने स्पाइनल कॉर्ड में बीच में रहता है ग्रे मैटर और उसके बाहर अपना रहता है वाइट मैटर, इतना तो अपन को पता ही होता है। तो अपन को पता है ये जो ग्रे मैटर है वो मेनली अपना बनता है नर्व सेल की सेल बॉडी से। अपन को पता है ना, एक पूरा जो नर्व जो सेल होता है अपना न्यूरॉन, वो बनता है सेल बॉडी से और एक्सॉन से। तो इसके ग्रे मैटर में मेनली अपने आप प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी, जिसके कारण इसका कलर आता है ग्रे कलर का। और क्या होता है, अपने न्यूरॉन के क्लस्टर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। मतलब न्यूक्लियाई क्या है, अपने नर्व सेल के क्लस्टर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो ये पूरा जो थैलेमस है ना यार, ये एक्चुअली पूरा लार्ज मास होता है अपने ग्रे मैटर का। मतलब वो मेनली अपने डिफरेंट न्यूक्लियाई से बना होता है। अगर आप यहाँ पे नीचे डायग्राम देखो तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए उनने क्या करा, अपने इस थैलेमस की डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई को डिफरेंट कलर कोड से ने यहाँ पे बनाया है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो क्या होता है, ये थैलेमस की जो डिफरेंट न्यूक्लियाई है ना, अपन को अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाती, क्योंकि अपन अभी ये 2D में देख रहे हैं। तो इस थैलेमस को और अच्छे से यार समझाने के लिए मैंने क्या करा, तुम्हारे लिए पूरा इस तरीके से 3D में मॉडल ही बना दिया। ये पूरा अपना थैलेमस का ही मॉडल है, और थैलेमस इसी शेप का अपना होता है। मैं जब आगे अपने फोन में 3D मॉडल दिखाऊंगा ना, तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो अपना यह पूरा यार थैलेमस का ही मॉडल है। आपको यार मेरा एक ही मोटिव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं मेरी पूरी मेहनत करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो थैलेमस है वो अपना लार्ज मास होता है, वो अपना लार्ज मास होता है ग्रे मैटर का। अब इसका अपन फंक्शन को देखें ना, तो यार थैलेमस का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, अपने रिले सिस्टम की तरह काम करता है। अपना जो सेंसरी और मोटर, जो भी अपने नर्व इम्पल्स रहती है ना, उनका ये रिले और रेगुलेशन करवाता है। अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो उसके लिए आपको इससे समझना पड़ेगा। मान लो ये अपना है स्ट्रक्चर ए, ये अपना कोई स्ट्रक्चर है ए, और इसके सारे नर्व के इम्पल्स अपन को पहुंचाने हैं इस बी स्ट्रक्चर में, मेरे इस कार्डिडर में। तो क्या होता है यहाँ, तो क्या होता है, अपने बॉडी में डायरेक्ट यहाँ पे न्यूरॉन नहीं लगा होता कि ए से बी तक एक डायरेक्ट एक नर्व फाइबर लगा है। यहाँ पे करते क्या है, अपना एक नर्व का बंडल स्ट्रक्चर ए से पहले जाएगा इस थैलेमस में, देन फिर इस थैलेमस से एक नर्व का पूरा बंडल जाएगा अपने स्ट्रक्चर बी में। तो इस तरीके से ये जो थैलेमस है वो एक तरीके से अपने इस नर्व सिग्नल का रिले की तरह काम कर रहा है, यहाँ से इधर और फिर थैलेमस से अपना बी स्ट्रक्चर तक ले जा रहा है। तो इस तरीके से अपना जो थैलेमस है वो रिले सिस्टम की तरह काम कर रहा है। अगर इसको और डिटेल में बताऊं तो यार ये रेगुलेट भी करता है। मान लो कि ये जो ए वाला जो अपना नव इम्पल्स है वो थैलेमस में आया, तो अभी थैलेमस के ऊपर है कि वो चाहे तो बी में पहुंचाए या फिर वो कभी ले जाएगा नहीं, वो उसको इनिबेट कर देगा। तो इस तरीके से अपना थैलेमस नर्व सिग्नल्स को रेगुलेट करने का भी काम करता है। अब इसको यार मैं स्ट्रक्चर ए और बी की तरह ना समझा के आपको अब एक रियल एग्जांपल बताऊं। तो इसके लिए फिर से मुझे ये स्पाइनल कॉर्ड का अपना मॉडल दिखाना पड़ेगा। तो यार अपन ने ये देखा था कि अपने स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स। मेनली अपन को असेंडिंग ट्रैक्स का पता है कि ये अपने टिश्यू से ब्रेन तक अपने सारे सेंसरी इम्पल्स को ले जाते हैं। तो यार यहाँ पे जो ब्लू से जितने भी ट्रैक है ना, वो अपने सारे हैं सेंसरी ट्रैक। तो क्या होता है, अपने इस स्पाइनल कॉर्ड से सारे ये नर्व के ट्रैक अपने आ जाते हैं इस ब्रेन स्टेम में,
देन ब्रेन स्टेम से होते हुए सारे अपने सेंसरी नर्व्स अपने आते हैं पहले इस थैलेमस में, देन थैलेमस फिर उसको अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर के पोस्ट सेंट्रल जायरस में भेजता है। अपन ने अपनी सेरेब्रल हेमिस्फेयर की वीडियो में देखा था कि अपने सारे सेंसरी इम्पल्स का प्रोसेस जो है वो इस पोस्ट सेंट्रल जायरस में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले टिश्यू से सारे के सारे नर्व्स अपना सेंसरी इम्पल्स लाए कहाँ पे, थैलेमस में। फिर थैलेमस ने उसको रिले करा किसमें, अपने इस पोस्ट सेंट्रल जायरस में। तो यार अपना ये जो थैलेमस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये मेनली अपने नर्व सिग्नल्स का रेगुलेशन और रिले करवाता है, और उसके अलावा इसके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। और यार मेनली अपन सारे फंक्शन जो है अपने थैलेमस के वो पढ़ते हैं इसकी फिजियोलॉजी में। तो अभी अपन इसका एनाटमी वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें मैं आपको आज मेनली इस थैलेमस का पूरा ग्रे मैटर को अच्छे से अपने इस मॉडल से समझाऊंगा। तो आज की सबसे पहले अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये थैलेमस 3D मॉडल में इसका लोकेशन दिखाता हूँ कहाँ प्रेजेंट है। तो मैं आपको बताऊँ, अपना ये जो थैलेमस है ना, वो इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर के डीप में प्रेजेंट है। तो यार ये जो थैलेमस है, ये एक्चुअली में अपने बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट होता है। तो यार अगर आपने मेरी बेसल गैंग्लिया वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो लिंक आई बटन पे है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तो यार होता क्या है एक्चुअली में, अपने सारे न्यूरो एनाटॉमी की यही बात है कि न्यूरो एनाटॉमी में अपने सारे टॉपिक कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए मैं जिस सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में तुम देखा करो, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अगर तुमने यार नहीं देखी ना, तो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। अपने सेरेब्रल हेमिस्फेयर के डीप में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। और ये जो थैलेमस है, ये भी उसी का ही एक पार्ट है। तो ये अपना है 3D मॉडल। मैं सबसे पहले इसमें बोन को मैंने हाइड करा, तो अब आपको पूरा ब्रेन दिख रहा है। देन इस ब्रेन में मैंने एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर को हाइड करा, तो आपको अब कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यही अपने बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स हैं। मैं और अगर इसमें हाइड करूं, तो अब आपको ये दिख रहा है, ये अपना पूरा है थैलेमस। आप खुद देख पा रहे हो कितना डीप में प्रेजेंट है। तो ये पूरा अपना है थैलेमस, ये आपको क्लियरली देख पा रहा होगा। तो अब थैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स वापस लाऊं आपके लिए, तो अब आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। ये जो है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। मैं चारों वेंट्रिकल्स की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आई बटन पे है, आपको मिल जाएगी। तो अपन को पता है अपना ये होता है लेटरल वेंट्रिकल। तो इस लेटरल वेंट्रिकल के नीचे वाले हिस्से में, इसके फ्लोर में, तो लेटरल वेंट्रिकल के जस्ट फ्लोर में अपना प्रेजेंट है ये थैलेमस। तो पूरा अपना ये थैलेमस। अब अपन इसको फर्दर और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब अपन थैलेमस का देखते हैं स्ट्रक्चर। तो यार इसका आप देखो, एक्चुअली में ये जो अपना थैलेमस है ना, वो अपना मेनली बनता है ग्रे मैटर से, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन इसका क्या, एक स्मॉल वाइट मैटर भी होता है। तो अपने थैलेमस का जो वाइट मैटर है ना, वो अपना होता है लेमिना के फॉर्म में। ये लेमिना का अगर वर्ड का मतलब बताऊं, तो इसका मतलब होता है थिन शीत। ये इतना पतली सी शीत है ना, तो कुछ उस प्रकार से इसका वाइट मैटर है। तो ये अपना पूरा है थैलेमस, और इस थैलेमस के अंदर आपको ये वाइट मैटर की हल्की सी ये शीत दिख रही है ना, पतली सी, तो यही अपना थैलेमस का होता है वाइट मैटर। बहुत छोटा सा इसका है वाइट मैटर, पतला सा, एक शीत के फॉर्म में, इसलिए अपन ने इसके वाइट मैटर को बोला था लेमिना। और इसके वाइट मैटर जो है एक्चुअली में थैलेमस का, दो इसमें वाइट मैटर हो, तो अपने इस थैलेमस में एक्चुअली में दो होते हैं वाइट मैटर। एक इसका है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, मतलब एक वाइट मैटर जो है इस थैलेमस के बाहर प्रेजेंट है। मेनली अपने थैलेमस का ये वाली साइड होती है लेटरल साइड। तो अपने थैलेमस के लेटरल साइड में अपना वाइट मैटर होता है, उससे अपन बोलते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। मेडुलरी लेमिना क्यों, क्योंकि ये थिन शीत के फॉर्म में है, और एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि वो अपने थैलेमस के बाहर प्रेजेंट है। और एक इसके वाइट मैटर का पार्ट
वो इस थैलेमस के अंदर ही होता है। ये आप देख रहे हो ना, ये थैलेमस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना, क्योंकि अपने थैलेमस के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो इंटरनल मेडुलरी लेमिना है ना यार, वो कुछ इस प्रकार से वाई शेप का होता है। आप देख रहे हो पीछे तो सिंगल है, देन आगे आके दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अपना है इंटरनल मेडुलरी लेमिना, और अपने इस इंटरनल मेडुलरी लेमिना के कारण अपन अपने थैलेमस को तीन पार्ट में फिर डिवाइड कर देते हैं। ये आप देख रहे हो, तो ये अपना है इंटरनल मेडुलरी लेमिना, और उसके इस वाई शेप के कारण अपना एक बन गया थैलेमस का इंटीरियर पार्ट। देन इस लेमिना के जो पार्ट मीडियल में है वो इसका हो गया मीडियल पार्ट, और इस थैलेमस का एक लेटरल पार्ट। तो इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे फोन में एक डायग्राम है, मैं उसको दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा होगा, ये अपना है पूरा थैलेमस, और उस थैलेमस के लेटरल साइड में बाहर की तरफ ये जो वाइट मैटर दिख रहा है, यह अपना एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, और ये अंदर ये अपना है इंटरनल मेडुलरी लेमिना। ये अब आपको और अच्छे से दिखेगा, ये जो पूरा अपना थैलेमस है ना, उसको अपन ऐसे देख रहे हैं 3D में। तो इसके बाहर की तरफ ये जो लाइट ब्लू से है ना, ये एक्चुअली में अपना है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। और उसके अंदर आप देखो, थैलेमस के अंदर ये आपको दिख रहा होगा एक हल्की सी पतली सी शीट, हल्की सी पतली सी एक शीट, ये अपना है एक्चुअली में इसका ग्रे मैट, ये एक्चुअली में अपना है इसका इंटरनल मेडुलरी लेमिना। तो कुछ इस तरीके से इसका होता है वाइट मैटर। देन अब अपन देखते हैं इसका ग्रे मैटर, मतलब इसका मेन पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अपना थैलेमस आप खुद देखो, वो मेनली अपना बन रहा है ग्रे मैटर से, और इसके ग्रे मैटर को भी फर्दर अपन ने और न्यूक्लियाई में डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है यार, अपन को सिर्फ इन न्यूक्लियस के नाम नाम ही याद करने हैं, और इनके नाम भी बड़े इजी होते हैं, जिस लोकेशन में प्रेजेंट है ना वैसे ही इनके नाम होते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये अपना पूरा है थैलेमस, ये थैलेमस का इंटीरियर पार्ट, और ये थैलेमस का पोस्टीरियर पार्ट। ये जो यहाँ पे ब्लैक से जो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको आती हुई, ये एक्चुअली में अपना है वाइट मैटर। तो आप खुद देखो, इसके आगे की तरफ एक पूरी ब्लू से यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखाई है, तो ये एक्चुअली में अपनी है इंटीरियर न्यूक्लियस। तो ग्रे मैटर में सबसे पहले एक इंटीरियर में प्रेजेंट है इसकी एक इंटीरियर न्यूक्लियस, ये आप देख रहे हो ना इस 3D मॉडल में भी आप देखते चलो। तो क्या होगा, इस तरीके से 3D में तुम देखते चलोगे ना मॉडल में, तो तुम्हें और अच्छे से ये चीज़ें याद होंगी। तो ये इसकी है इंटीरियर न्यूक्लियस, देन ये इसका है मीडियल साइड। एक्चुअली में ये जो डायग्राम है ना, ये अपना राइट थैलेमस है, और ये अपना है लेफ्ट थैलेमस। तो ये अपना है मीडियल साइड, और ये इसका है लेटरल साइड। तो इसके इंटीरियर में इस न्यूक्लियस का नाम है इंटीरियर न्यूक्लियस, देन मीडियल साइड में ये सबसे बड़ी ये जो न्यूक्लियस दिख रही है ना, जो कि मेनली येलो कलर से बनाई है इनने, ये अपनी है मीडियल न्यूक्लियस, क्योंकि मीडियल में प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे इसे मीडियल न्यूक्लियस। देन मीडियल के बाद इसके लेटरल में, इसके लेटरल में अपनी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक लेटरल में पीछे, तो वो है अपनी लेटरल पोस्टेरियर, ये आप देख पा रहे हो ये वाली अपनी है लेटरल पोस्टेरियर। और ये वाली न्यूक्लियस जो लेटरल में प्रेजेंट है ना, इसका नाम होता है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके अलावा एक अपन ने जैसी देखी थी ना इंटीरियर न्यूक्लियस, जो कि इंटीरियर में प्रेजेंट थी, वैसे ही एक न्यूक्लियस इसके पीछे प्रेजेंट है पोस्टेरियर में। तो इसे अपन पोस्टेरियर न्यूक्लियस ना बोल के इनने इसे बोला है पल्विनार, ये आप देख रहे हो ना। तो ये पूरा ये जो ग्रीन से ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है पल्विनार। देन इस पल्विनार वाले स्ट्रक्चर में अपन को दो और न्यूक्लियस अटैच दिखती हैं, ये आपको दिख रही है, एक इसमें ये वाला पार्ट जो कि थोड़ा लेटरल में है,
किसको अपन बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और एक इसका मीडियल मैन, ये जो मीडियल में जो पल्विनार में ये वाला जो स्ट्रक्चर अटैच है उससे अपन बोलेंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो यार मेनली मैं आपको बताऊं इसमें याद करने का ही ज़्यादा होता है, तो आप क्या अभी सारी चीज़ें सुन लो ध्यान से, अपन बाद में फिर से इसका रिकैप भी करेंगे। तो अपन अभी क्या देख रहे थे, इसके पल्विनार वाले पार्ट में दो और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, लेटरल में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल में मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेकिन अब यार बात ये आती है कि अपन इसका मेनली पढ़ क्यों रहे हैं एनाटमी। तो यार इसका अपन थैलेमस की एनाटमी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब आप बाद में जब आप फिजियोलॉजी में इसके फंक्शन पढ़ो ना सारे के सारे, तब आप उसके फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए अपन क्या पहले पढ़ते हैं एनाटमी, फिर अपन पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, मतलब इसकी फिर बाद में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। तो इसलिए मैं आपको बड़े डिटेल में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाद में फिर ये और यूज़ होती हैं अपन को एनाटमी में, बाद में फिर ये और यूज़ होती हैं अपन को फिजियोलॉजी में। फिर अब अपन आ जाते हैं इसके लेटरल सरफेस पे। अपन ने यहाँ पे देख लिया था इसके लेटरल सरफेस में ऊपर की तरफ प्रेजेंट थी अपनी लेटरल डॉर्सल और लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। उसके अलावा इसके लेटरल में यार इस तरीके से तीन और न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, ये आप देख पा रहे हो। अगर आप 2D में देखो तो ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऊपर से दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए तीन जो है ऐसी आपको दिख रही होंगी न्यूक्लियाई। तो लेटरल में क्या होता है, इस तरीके से ये तीन और न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, मेनली इसको अपन बोलते हैं वेंट्रल ग्रुप। तो ये वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रल में है ना आगे की तरफ, तो तीनों न्यूक्लियाई हैं, ये तीनों एक्चुअली में वेंट्रल हैं। अब फर्क ये है, वेंट्रल में सबसे आगे एंटीरियर में ये जो है इसका नाम हो गया वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल में पीछे की तरफ जो है ये है वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, और एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में ये वाली जो न्यूक्लियस है ना इसे अपन बोलते हैं वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। तो ये अपनी होगी वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। तो यार अगर मैं सारी चीज़ें आपको 2D से समझाता ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पूरा ये मॉडल बना दिया। तो यार ये अब आपको क्या और अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, 2D में इतने अच्छे से नहीं आती जितना मैंने इससे बताया। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ अपने ग्रे मैटर को, बड़ा ही इजी है इसका ग्रे मैटर। एक इसमें है इंटीरियर में न्यूक्लियाई, उसे बोलेंगे अपन इंटीरियर न्यूक्लियाई। जैसे ही इंटीरियर में है वैसे ही पोस्टीरियर में भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन पोस्टीरियर में अपन इसे बोलते हैं पल्विनार। तो एक इंटीरियर न्यूक्लियस, फिर एक पोस्टीरियर न्यूक्लियस जिसे अपन बोलते हैं पल्विनार, और इसी पोस्टीरियर में दो जेनिकुलेट बॉडी भी होती हैं कुछ इस तरीके से निकले हुए स्ट्रक्चर। लेटरल में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल में मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, देन उसके अलावा इसके मीडियल में पूरे मीडियल सरफेस में एक बड़ी सी न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस। देन इसके लेटरल सरफेस में सबसे पहले इसके लेटरल के ऊपर में दो लेटरल न्यूक्लियस, जो पीछे की तरफ है वो लेटरल पोस्टीरियर और ये लेटरल डॉर्सल। देन ये वाला पार्ट जो कि वेंट्रल में है, तो वेंट्रल की है तीन न्यूक्लियस, इंटीरियर में इंटीरियर वेंट्रल, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर वेंट्रल, और इंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल के बीच में ये वाली अपनी है वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। तो पूरा मैंने आपको थैलेमस के एनाटॉमी बता दी। और यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है पूरे थैलेमस को बनाने में, क्योंकि ये जो आप खुद देखो ये मॉडल एक्चुअली में क्या है मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये मैंने नारियल से बनाया है। ये एक्चुअली में अपना नारियल है, ये तुम्हें पीछे से अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फिर उसको मैंने पेंट करा फिर पूरा आपके लिए बनाया। तो बहुत मेहनत लगी यार उसको बनाने में, और सही बताऊँ तो पूरा न्यूरोलॉजी बनाने में मेहनत लग रही है, चाहे वो ब्रेन स्टेम का मॉडल हो, चाहे वो उसका सर्कल ऑफ विलस हो। तो मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। न्यूरोलॉजी का कोई भी टॉपिक अगर देखना हो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। अभी तक अपन BDC के तीन चारों वॉल्यूम अच्छे से देख चुके हैं, तीन वॉल्यूम तो पहले ही बता दिया था, ये फोर्थ वॉल्यूम है
जो अपना था न्यूरो अनाटमी का, मोस्ट ऑफ चीज़ें अपन देख चुके हैं न्यूरो अनाटमी में, देन फिर अपन देखेंगे अपनी हिस्टोलॉजी। तो वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक और शेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।